हेलो भाई लोग, वेलकम करते हैं आप सभी लोग का एक और एफएफटेक की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर पिंक डायमंड से हम लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर, यहाँ पर रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर रिमोट बंडल सब चीज एकदम ग्लोबल भी एकदम रेयर वाला मिल रहा है, एकदम खतरनाक टाइप का। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो एक कोडवर्ड सिस्टम है, जो कि कोडवर्ड में सब लोग को प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कोडवर्ड लगाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कोडवर्ड गलती बोल रहा है, रिडिप्शन गलती बोल रहा है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक से समझाऊंगा ये कोडवर्ड कैसे लगाना है, एकदम देख लेते हो पूरा अच्छी तरीके से, तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कोडवर्ड के अंदर। और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये पिंक डायमंड भी इससे अर्न कर सकते हो। देख सकते हो 30 डायमंड ऐसे और 10 डायमंड ऐसे, और डेली का डेली ये चेंज होता रहता है। तो मतलब डेली आप 40-40 डायमंड एकदम इजीली ले सकते हो। तो डियर चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले पिंक डायमंड में आ जाना है, और कोडवर्ड लगाने का सबसे सिस्टम देख सकते हो आपको सीधा सिंपल। यहाँ पर कोडवर्ड, यहाँ पर आपका ये वाला कोड है, कोड आपका है। तो यहाँ से मैं आप लोग दूसरे अकाउंट में चलता हूँ और उसमें बताता हूँ आपको कोड कैसे लगाना है। लेकिन उससे पहले आपको कोड लगाना कौन सा है वो देख लीजिए। आपको देख सकते हो यूज सीक्रेट कोड आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाला दिखाया जाएगा, तो आपका कोड ये है, ठीक ना। ये और यहाँ पर देख सकते हो इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेते हो, ठीक ना। कॉपी करने के बाद किसी फ्रेंड को सेंड करते हो आप। चलिए मैं मैसेज में सेंड करके दिखाता हूँ आपको। भाई लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड में सेंड करोगे तो कुछ इस प्रकार का कोड बन जाएगा, और ये कोड है ही नहीं आपका, ये कोड कॉपी करके कोई दूसरा कोई लगाएगा तो लगेगा ही नहीं फ्रेंड। या फिर व्हाट्सएप पर भी सेंड करते हो तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि कोड है ही नहीं, ठीक ना। ये कोड सेंड करने लायक है ही नहीं। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कौन सा आपको कोड कॉपी करना है। यहाँ पर फिर से कोड में आ जाना है, यहाँ पर जो लगाना है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको कोड सबसे पहले देख लेना है। तो देखने के देख सकते हो यहाँ पर और कुछ नहीं आपको याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है ये जो लास्ट का 5 अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, 6 अक्षर वो याद रखना है, 9898D0 इतना याद रखना है। और बाकी ये जो है ना 5th anniversary@, तो वो ऑटोमेटिक लगा देना है। कोई सा भी कोड वर्ड में ये लगाना जरूरी है तो जरूरी है, और लास्ट का 5 अक्षर जो कोड है वो सिर्फ चेंज होता रहेगा, ठीक ना। इतना याद रखना है 9898D0, फिर इतना याद रखना है। चलिए मैं अब यहाँ पर कॉपी करके, यहाँ पर कॉपी नहीं करते, चलिए मैं आपको नॉर्मली लगा के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले तो किसी वर्ल्ड चैट से अगर आपके किसी का कोड डाउनलोड करते हो, देख सकते हो मैं अपना ही कोड वर्ल्ड चैट में डाल के फिर से इसको कॉपी कर ले और यहाँ पर डालते हैं, या फिर व्हाट्सएप से आप लोग मतलब कॉपी करके कोड को कॉपी करके यहाँ पर डालते हो, तो देख सकते हो क्या बताएगा आप लोग। करने के बाद ओके कर देते हैं, ओके करने के बाद देख सकते हो इनवैलिड इनपुट, ये देखिए तो आपको ऐसा बताएगा इनवैलिड कोड बताएगा, कोड मतलब कॉपी होगा ही नहीं, कोड आपको यहाँ पर डालने का ऑप्शन ही नहीं देगा। तो मैं आप लोग को सीधा सिंपल आपको बताया था, आपको सीधा सिंपल आपको आंख बंद करके लिख देना है 5th anniversary। और 5th anniversary कैसे लिखना है, 5 को बड़े अक्षर में मतलब 5 को लिख देना है, और 5 को लिखने के बाद यहाँ पर TH लिख देना नॉर्मल छोटे अक्षर में, और फिर स्पेस दे के एनिवर्सरी लिख देना है आपको। एनिवर्सरी लिखने के बाद आपको फिर से स्पेस देना है और @ डालना है, और लास्ट का जो अक्षर मैं आप लोग को बताया था। तो फ्रेंड इतना लिखने के बाद आपको सीधा सिंपल आपको वो वाला 5 अक्षर लिखना है, जो कि मैं आप लोग को लास्ट में, जो लास्ट में 5 अक्षर था मेरा वाला कोड का 989, आपको ए बड़े अक्षर में, और फिर से डी भी बड़े अक्षर में, और 0 लिखने के बाद देख सकते हो यहाँ पर कॉपी करने कन्फर्म कर रहे हैं, और कन्फर्म करने के बाद देख सकते हो रिडिप्शन सक्सेसफुल लिख दिया। यहाँ पर देख सकते हो आपको सिर्फ कोड का 5 अक्षर वो लास्ट वाला याद रखना है, जो कि ये वाला देख सकते हो, मैं इसका कोड दिखा रहा हूँ, ये वाला लास्ट अक्षर 5 का, ये देख सकते हो 84808B आपको इतना याद रखना है, और ये वाला याद रखने के बाद ये 5th anniversary@ आपको लिख देना है और यहाँ पर कंफर्म कर देना है, बस वही कोड है। तो देख सकते हो यूज कोड वाला क्लेम कर लेते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हो इतना आपको, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ्रेंड शॉर्ट में बताया तो सीधा सिंपल इसका कोड का लास्ट वाला 5 अक्षर मेन है आप लोग का, और 5th anniversary@ ऑटोमेटिक लगा देना है, और कॉपी करोगे व्हाट्सएप से कॉपी करोगे या फिर कोई सेंड किए रहेगा वो कॉपी करके भेजोगे तो आप लोग का नहीं लगेगा कोड। तो डियर किसी का भी दोस्त का लगाना है तो लास्ट का 5 अक्षर पूछ लेना है, आपको बस इतना ही करना है। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।